और जितेंद्र मान जी गुरु जी का स्वागत कर रहे हैं। ये खेती भी करते हैं मोरिंगा की, और मोरिंगा शायद लेकर के आए हैं ये गुरु जी को। डबल बताई, बहुत बढ़िया। तो मान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो है। मोरिंगा तो बहुत पावरफुल होता है और मोरिंगा बहुत ही बहुमूल्य वस्तु ये होती है, तो उसकी खेती करनी है मान साहब, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। मोरिंगा पाउडर अपनी थाली में इंक्लूड हो जाए ना, जो हमारे खाने की थाली, उसमें अगर मोरिंगा पाउडर आप डेली का आधा आधा चम्मच खा लो तो 5-star हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। एक्सीडेंट वगैरह को छोड़ के बाकी शरीर की सारी बीमारियां शरीर अपने आप ही ठीक करने लग जाएगा। और ये 4 साल से रिजल्ट है हमारे पास, 4-5 दिन में रिजल्ट आ जाता है इसके। और एक डिवीजन में तो 40 पैकेट मंगाकर अपनी सोसाइटी में बांटे हैं, उनको जो रिजल्ट आए हैं अपनी सोसाइटी में फ्री में बांटे हैं पैकेट मोरिंगा के। एक आपको बता दूं, मोरिंगा को माता वृक्ष कहा गया है। उसके पाउडर में 2.7% प्रोटीन होता है, जिंक मैंगनीज कैल्शियम सब होता है, ठीक है, खाना ही चाहिए। मेरे गुरुजी के यहाँ भी मोरिंगा पाउडर से ही शुरू होता था, कोई जाते थे तो नाश्ते में मोरिंगा, खाने में मोरिंगा देते थे। तो उन्होंने जो महिला ने कहा बिल्कुल सही कहा कि मोरिंगा अगर हमारे भोजन में आ जाए तो हमको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, और मोरिंगा घर पर भी लगाओ, हर घर में होना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। अभी देखिए, अभी तक मैंने आपको फसल, अभी तक भूमि उपचार बताया और पानी का उपचार, पंच महाभूतों का उपचार है अग्निहोत्र करना। क्या करना? और अग्निहोत्र करना मिट्टी को पॉजिटिव करने के लिए भी क्या चाहिए? अग्निहोत्र भस्म। तो अग्निहोत्र क्या है उसका पात्र दिखाओ फटाफट। अग्निहोत्र का जो पात्र है इसी आकार का होना। मेरे जो गुरुजी हैं डॉक्टर रामाश्र मिश्र, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के चीफ साइंटिस्ट, कानपुर कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य वैज्ञानिक, 25 साल रिसर्च किया उन्होंने, उनका है कि ये पात्र होना चाहिए। बाजार में जो मिलता है वो कर्मकांड वाला पात्र, मतलब पूजन वाला है। ये एक्टिवेटेड चारकोल बनाना तो यही पात्र चाहिए, मिट्टी का भी चलेगा, या किसी के पास पात्र है तो मिट्टी का घोल बना के निशान बना लो वो भी चल जाएगा। पर पात्र आकार यही 5.5x5x5, 14x14, 14.5x14, 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 14.5x14,
क्या करना है, दूसरा गाय के गोबर के साफ सुथरे कंडे, ये कंडे नहीं चलेंगे, बिल्कुल साफ सुथरे, एक भी नहीं होना चाहिए, क्लियर। और इन ये कंडे भी कौन सा, हरी चारा खाने वाली गाय और देसी गाय। अभी एक भैया वो कर रहे हैं अग्निहोत्र, मिट्टी पॉजिटिव नहीं हुई उनकी, क्यों, गाय ही जर्सी रखे हुए हैं, फिर कह रहे भैया पॉजिटिव नहीं हो रही है, और कह रहे हैं राइट टाइम कर रहा हूँ, चावल ठीक है। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, अभी गाय का चित्र बुलवाया तो गाय ही निगेटिव है, वो जो जर्सी गाय है वो नकारात्मक ऊर्जा की दुनिया का गाय है। देखो नकारात्मक ऊर्जा वाले भी दूध पीते जीते कि नहीं जीते, नकारात्मक ऊर्जा की गाय ऊर्जा है, गाय नहीं है, ठीक है। सुअर की प्रजाति की एक जीव है, उसका गोबर रख के कितना ही अग्निहोत्र करो, मिट्टी एक्टिवेटेड मतलब वो पॉजिटिव नहीं होगा। इसलिए गाय कौन सा हो, इसकी छालर है, सींग है, कांध है, और पीछे कुबड़ ज्यादा ना गया हो, ठीक है, उनका वो ज्यादा गया मतलब उसमें 90% ब्रीड हो गया, 10% देसी है, तो देसी गाय हो। फिर इस कंडे को ऐसे तोड़ना, ठीक है, ऐसे तोड़ना पूरा, ये आयताकार टूटा, फिर कंडा इधर लेके आओ, यहां रखो, मैं जमा, देखो ये आयताकार तोड़ रहा हूं, आयताकार तोड़ते जा रहा हूं, अभी तोड़ लेता हूं बाद में जमाऊंगा। एक चौकोर कंडा नीचे रखना, कौन सा कंडा, चकोर, ये हमने रखा नीचे, फिर इसके ऊपर आजू बाजू दो कंडे रखना, एक कंडा और दो कंडा, दिखाओ ऐसे आजू बाजू दो कंडे रखना, ठीक है,
फिर इसके आजू बाजू दो रखना है इसे। ये देखो ऐसे दो कंडे रखना, फिर आजू बाजू दो रखते जाना और जितना भस्म चाहिए ऊपर तक रख लेना। तो कंडे जम गए, एक अंडे को जमाना सूर्योस्त और सूर्योदय के 10 मिनट पहले, सूर्यास्त और सूर्योदय के 10 मिनट पहले जलाना। सूर्योदय सूर्यास्त कैसे निकालोगे? एक ऐप है हमारा अग्निहोत्र बड़ी, क्या ऐप है? अग्निहोत्र बड़ी, इसको साफ करोगे अग्निहोत्र बड़ी, अग्निहोत्र पर इसमें मैंने पूरा दिया हुआ भी है पूरा अग्निहोत्र क्या। हाँ नहीं, इसमें गाय का कंडा ही जलेगा। भगवान कृष्ण ने गाय के कंडे को श्री कहा, श्री यानी असीम ऊर्जा। तो हमें असीम ऊर्जा चाहिए निगेटिविटी को खत्म करने के लिए। कोयला, ये देखो लकड़ी जलेगा तो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा कि नहीं निकलेगा? केवल कंडा एक ऐसे कार्बन है जिसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता तो आँख से आंसू आते हैं, कंडा जलाओ ठीक से जमा के आंसू नहीं आएंगे। तो करना किसका उपयोग करना है अग्निहोत्र के लिए? कंडे का, गाय गोबर के कंडे का। तीसरा है निश्चित टाइम, तो टाइम के लिए अग्निहोत्र बड़ी एक ऐप है, ये अग्निहोत्र की पूरी विधि लिखी है कैलेंडर में, ऐप है अग्निहोत्र बड़ी का, ऐप है लिखो प्ले स्टोर में जा AGNIHOTRA AGNI। ये पहला हमारा, ये isolife.com पे जाके पात्र बुलवा लेना और समय आप निकालना आपके घर में खड़े होके अग्निहोत्र बड़ी AGNIHOTRA BUDDY अग्निहोत्र बड़ी, ये सर्च करके और क्या करना टाइम निकाल लेना। वो टाइम के 10 पहले कंडे जलाना, जब कंडा पूरी तरह से जल जाए तो 2 मिनट पहले अखंड चावल, बिना टूटा हुआ चावल ये रखा है, और जैविक चावल हो तो ज्यादा अच्छा है, वो एक चुटकी लेना, एक बूंद घी लेना और घी लेकर के उसको दो भाग कर लेना। जब आधा मिनट बचे, कितना मिनट बचे, तो एक कंडे के ऊपर जो है जलाने के बाद एक ढक्कन से ढक देना, आधा मिनट बचे तब ढक्कन निकाल के बाजू में कर देना चमीटा से, और बाजू में करने के बाद सेकंड को देखते रहना उसको अग्निहोत्र बड़ी में। जैसी 00 हो गए घंटी बजेगी, शाम का मंत्र है मेरे साथ दोहराओ, अग्नये स्वाहा अग्नये इदं नमन प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमन। बस केवल ये दो ही मंत्र हैं, मंत्र नहीं है स्वर है। जहां तक आपका स्वर जाएगा उतनी जगह में मिथाइल आइसोसाइनाइड जैसे जहरीली गैस अंदर नहीं घुसेगी। ये हुआ भोपाल गैस कांड, जो परिवार अग्निहोत्र कर रहा था वही जिंदा बचा, आसपास के सारे लोग मरे, उनके यहाँ प्रेग्नेंट महिला भी स्वस्थ बच्ची दी है। साधना नाम, साधना रखे उस बच्ची का नाम। फिर यहाँ बिजली नहीं गिरेगी, जहां तक आपकी आवाज जाएगी उतना प्योर हो गया, कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगा। फिर इसके जलने से 8-5 गैसें निकलेगी, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपी ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड और ऑक्सीजन। ये 5 गैसें पंच महाभूतों का भगवान को शुद्ध और सजीव करती है, और इन गैसों को कंडा ऑब्जर्व कर लेता है। कंडा क्या करता है? इसका भस्म तो एक्टिवेटेड हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। अमेरिका में इस पर यूनिवर्सिटी बन गई अग्निहोत्र की, एक्टिवेटेड चारकोल। ये चारकोल है, ये किसी भी पानी में डाल दो उसको शुद्ध और सजीव कर देगी, मिट्टी में डालो शुद्ध और सजीव कर देगी। कैसे डालना बताइए, 50 ग्राम भस्म, 50 ग्राम फिटकरी, पोटली बांध के पानी में डुबा दो, फिर इस पानी को खेत में चला दो, स्प्रे कर दो, मिट्टी पॉजिटिव परमानेंट। समस्या बड़ी थी, समाधान बड़ा है क्या? और ये समाधान आपको आध्यात्मिक कर देगा, आप शराब पी के धीरे धीरे छूट जाएगा, आप जो है आपके अंदर क्रोध है धीरे धीरे कम हो जाएगा, लड़ना कम हो जाएगा, परिवार में बच्चों में एक अलग चेतना आएगी, उनकी IQ बढ़ेगा। जिस परिवार में रेगुलर अग्निहोत्र होते हैं उनके बच्चे मैंने वेरी इंटेलिजेंट देखे, अतिरिक्त ज्ञान वाले, एक नहीं सबके यहाँ स्वस्थ देखे, बीमार होते नहीं देखे। अग्निहोत्र पर 2000 से ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, तो अग्निहोत्र करोगे आपके यहाँ जो है 40 क्विंटल धान प्रोडक्शन की गारंटी दे रहा है, और परिवार को अच्छा करने की गारंटी दे रहा है। और लग क्या रहा है भैया, क्या लग रहा है, हैं? कंडा चाहिए, घी चाहिए, चावल चाहिए। और घी कंडा चावल आपके घर में जलेगा, सुगंध बढ़ेगा कि घटेगा?
बढ़ेगा। ये पूरा का पूरा विज्ञान है। ये क्या है? कोई कर्मकांड नहीं जो आर्य समाज ही करे। आर्य समाज ने ठेका नहीं लिया इसका कि वो अकेले करेंगे। लिया है क्या? वो तो कहते कृणवंतो अस्मिसारम। आर्य समाज ने ठेका लिया, दुनिया को ये सिखाएंगे। लिया कि नहीं लिया? है कि नहीं उद्घोष कृणवंतो विश्व आर्यम? मतलब सबको श्रेष्ठ अग्निहोत्र करके इसमें कर्मकांड नहीं करना। कर्मकांड होते होते गौतम बुद्ध के समय बलि प्रथा आ गया कि भैंसे को चढ़ाओ और फिर भैंसा बना के पंडित जी खुद खाते थे। और हिंदुस्तान में तो बंद हो गया। आज भी नेपाल में भैंसे की बड़ी चला के वहां के पुजारी पंडित जी भैंस का मांस खाते हैं आज भी। तो यज्ञ में कर्मकांड होते होते बलि प्रथा आ गई थी, इसलिए बुद्ध ने टोटल बंद कर दिया टोटल। फिर 1967 में इस अग्निहोत्र का पुनर्जीवन किया माधव स्वामी पोद्दार जी ने, एक संत है महाराज के श्री जी के आज्ञा से। किसके आज्ञा से? और श्री जी का कहना है ये अग्निहोत्र वही करेगा जिसका कल्याण होना है, ये उनके घोष वाक्य। तो अग्निहोत्र करिए, इसका भस्म पानी में डालिए, इसका भस्म खेत में डालिए, इसका भस्म से मंजन कीजिए, इसका इनके यहाँ मंजन की लाइन लगती है। और काय की लाइन लगती है आपके यहाँ? दांत दर्द की लाइन लगती है, ठीक है। इसके 100 से ज्यादा रिजल्ट हैं। हमने रिजल्ट की किताब बनाई है। आप सोल वेबसाइट पे जाके आप अगर ऑर्डर करोगे तो वो किताब भी साथ में आएगा। 100 से ज्यादा उपयोग किए। मेरे पास टाइम नहीं कि अग्निहोत्र पर बता सकूं, इतनी महिमा है। बिना अग्निहोत्र किए कोई खेती नहीं हो सकती, न रासायनिक न जैविक, न इजरायली खेती न जापानी खेती। क्लियर कंसेप्ट करना पड़ेगा। आप अग्निहोत्र करो, नहाए हो तो करो, नहीं नहाए हो तो करो। पांच ही नियम है अग्निहोत्र, छठा कुछ नहीं। चुटैया रखते हो तो करो, ना रखते हो जनेऊ रखते हो तो करो, ना रखते हो महिला है तो करो, पुरुष है तो, मालिक है तो, नौकर है तो, बच्चे है, कोई भी करो करो। पांच ही नियम है। जैसी आहुति डलेगी पांच गैसे निकल जाएगी और ये जो भगवान है पंच महाभूत उसका पेट भर जाएगा। क्योंकि पांच गैसे किसको शुद्ध करती है? पंच महाभूत भूमि गगन वायु अग्नि नीर। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा ईष्टान न भोगान न वो देवा दास यंते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदायेभ्यो सइष्टे नैव च। ईष्टान न भोगान न वो देवा, अपने इष्ट को बिना भोग लगाए। हमारा इष्ट क्या है? भगवान पंच महाभूत है कि नहीं है? उनको भोग लगे, उनको भोजन दिए। उनका भोजन क्या है? एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपिलीन ऑक्साइड, फॉर्मेलडिहाइड ऑक्साइड। उन हम मतलब अपने इष्ट को बिना भोजन दिए, उनके द्वारा दिए गए अन्न फल को। अन्न फल कौन उगाता है? किसान नहीं, पंच महाभूत उगाते हैं। किसान तो केवल बीज डालता है और रखवाली करता है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? किसान फल बनाता है क्या? फल कौन बनाता है? भगवान। तो ये भगवान के द्वारा दिए गए अन्न फल को जो भोगता है वह चोर है। आप पंच महाभूतों की चोरी कर रहे हो। अगर पंच महाभूतों को भोजन नहीं दे रहे हो तो। और भगवान कृष्ण ने गीता में कोई झूठ कहा है क्या? हर चीज सच कहा है कि नहीं? इसलिए शपथ लेता है न्यायाधीश दिलवाता है, क्योंकि सच के ऊपर सच, इसलिए। पर वहां भी झूठे निकल गए, किताब के ऊपर हाथ रख लिए। तो वापस मैं आ रहा हूँ, अग्निहोत्र करना अनिवार्य। दो अनिवार्य है मेरी टेक्निक में, अग्निहोत्र करना और गाय पालना। गाय पालोगे तो अग्निहोत्र कर पाओगे, कंडे के लिए घी चाहिए कहाँ से लाओगे? और अग्निहोत्र है तो खेती अच्छी होगी, गाय भी अच्छी होगी, हम भी अच्छे होंगे, फसल भी अच्छी होगी। इसलिए अग्निहोत्र को कामधेनु कहा है। क्या कहा है? करना ही पड़ेगा। यहाँ आजकल केमिकल लोचा आ गया है दिमाग में। क्या लोचा आ गया है? पढ़ लिख लिए तो इसको समझते गवारों की। अरे जर्मनी जाओ, वहां एक महिला केवल अग्निहोत्र करके 67 एकड़ में खेती कर रही है। अग्निहोत्र करके कौन कौन ने अपनी मिट्टी पॉजिटिव की? हाथ उठाओ जरा, इनकी मिट्टी पकड़ो पूरी पॉजिटिव, ताकत है जबरदस्त। और बाकी जिन्होंने अग्निहोत्र नहीं डाला, धनकर साहब ने नहीं डाला, इनकी मिट्टी निगेटिव है, हाँ कि ना? आप ये केवल अग्निहोत्र भस्म और फिटकरी का पानी डालो, जहां 8 क्विंटल आ रहा है वही 12 क्विंटल हो जाएगा इसी साल। क्या लागत है भाई 8 और 12 करने में? क्या लागत आई? और घर में आध्यात्मिक माहौल हुआ, आप सुबह उठने लग गए। छोटी घटना है सुबह उठना क्या? बहुत बड़ी आज की समय की सबसे बड़ी घटना है। तो भैया बिना अग्निहोत्र संभव नहीं, अग्निहोत्र करो। अब यहाँ से मेरे फार्मूले शुरू होते हैं। ऊर्जा जल
तो अग्निहोत्र भस्म और फिटकरी का पानी क्या कहलाया? जोर से बोलो, ऊर्जा जल। दूसरा है ऊर्जा जल, दूसरा है जैव रसायन। ये जैव रसायन ग्लूकोज है पौधे का। जैसे आदमी मर रहा है तो डॉक्टर ग्लूकोज देता है कि नहीं देता? तो ये पौधे का ग्लूकोज है, मिट्टी के बैक्टीरिया का ग्लूकोज है। आपको एक फसल में 100 लीटर डालना है। कितना डालना है? पूरी जिंदगी भर में एक एकड़ में 200 लीटर डालना है बस। तो दो फसल में डाल लो, नहीं हो रहा है तो तीन और नहीं तो चार, चार फसल में आपको 200 लीटर डालना है। क्या डालना है? क्या है जैव रसायन? ग्लूकोज। क्या है? किसका? पौधे का। और बैक्टीरिया का है ढांचा, मतलब आदमी का जैसे ढांचा और उसमें जान आ जाए, वैसे बैक्टीरिया का ढांचा और पौधे का, तो इसकी इम्पोर्टेंस कम है कि ज्यादा है? अगर आप 10-10 लीटर दे रहे हो धान में, पिछले साल जो है कड़ापा का एक किसान है बालाजी भाई, उसने दिया 35 दिन में इतना धान आ गया था उसका, यूट्यूब में डाला, देखा कि नहीं देखा? 35 दिन में इतना धान, गांव वाले बोले काट दे नहीं तो 6 फुट से ऊपर हो जाएगा, गिर जाएगा। काटा उसने बेचारा डर के मारे, पहले ही बार में उसको 35 क्विंटल धान निकला। इतना इम्पोर्टेंट है 35 क्विंटल, हाँ एकड़ में, फर्स्ट अप्रोच में। केवल मेरे से मिला नहीं, आपको तो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो यूट्यूब से देख के सीखा है। ठीक है, हर सिंचाई में 10 लीटर, तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? पक्का? चलो हो गया, ठीक है, चलो 10 और हो गया। तो अब ये है, इस प्रकृति में जहाँ अणु है वहाँ जीवाणु है, जहाँ जीवाणु है वहाँ अणु है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, कोई लैब डालने की जरूरत नहीं। जहाँ अणु है वहाँ जीवाणु, जहाँ जिस पेड़ का फल है उसी फल में उस पेड़ के बैक्टीरिया है, पत्ते में है, फल में है, जड़ में है। अभी फल के बैक्टीरिया निकालना है तो क्या करो, कोई भी फल, अब फल कोई भी में खट्टा मीठा तीन तरह के रहेंगे, खट्टे होंगे तो खट्टे खट्टे, मीठा होगा तो मीठा मीठा, कड़वा होगा तो कड़वा, खट्टे मीठे, तीन तरह के फल। तो मीठा होगा, मीठा में क्या क्या है? पपीता है, कद्दू है, ठीक है, अनार है, और आमनी, पका आमनी, कच्चा आम खट्टे में जाएगा, अध पका होना चाहिए कोई भी चीज, ठीक है। बेल है, अभी बेल आ रहा है, तो 50 किलो फल कितना किलो लेना है? 150 लीटर पानी और 16 किलो गुड़। गुड़ कितना लेना है? फल कितना लेना है? पानी कितना लेना है? एक एक 200 लीटर का ड्रम में सब डालो, एयर टाइट बंद करो, डेट लगा के TCBT टेक्निक लिख के रख देना, ठीक है। ठीक है, हाँ तो ये लिख के रख देना, 90 दिन तक रखे रहने देना। कितने दिन? 90 दिन। जब जो है उसमें गैस बने तो थोड़ा खोल देना, 90 दिन में तैयार। क्या नाम है इस फार्मूले का? जैव रसायन। उपयोग क्या करना है? हर सिंचाई में 10 से 20 लीटर। रुको बता तो रहा हूँ, नीचे डालना है तो हर सिंचाई में 10 से 20 लीटर। स्प्रे करना है तो मात्र 0.2%, यानी 2 ml प्रति लीटर पानी में डालना है। हाँ, जल्दी बनाना है तो सोल का जो जामन आता है वो जामन डाल देना, 21 दिन में हो जाएगा, लेकिन वो जल्दी खराब भी हो जाएगा, महीने दो महीने में यूज करने तो इली आ जाएगी। और जो 90 साल बाल बनाओगे, मेरे पास 10 साल का रखा है, अभी भी खराब नहीं हुआ, 10 साल का रखा, कोई एक्सपायरी नहीं, 10 साल रखा है मेरे पास, खराब नहीं हुआ। प्लास्टिक का ड्रम चलेगा। आप ये जैव रसायन डालो, पौधा दिन दूनी रात चौकना पड़ेगा। पेड़ लगाओ 3 साल में 12 फुट का, अभी एक जगह 6 महीने में 6 फुट का आम हो गया, वीडियो डाला दे, इसी का कमाल है, जैव रसायन का, नैनो नत्रजन का, माइकोराइजा का, गोवर्धन खनिज खाद का। आप मीठा मीठा होगा तो कई फल डाल सकते हो, खट्टा मत डालना उसमें,
खट्टा होगा तो खट्टा खट्टा कई फल डाल सकते हो, एक तरह का डाल। अब खट्टे खट्टे वाले का कब उपयोग करोगे? फूल आने के पहले। जमीन में अगर पानी दे रहे हो तो डाल दो, नहीं तो 2 ml प्रति लीटर के दर से स्प्रे कर दो, 15 दिन 20 दिन पहले फूल आएंगे। लेखराम यादव की यहाँ 1 महीने पहले फूल आए नींबू में। अब नींबू में 1 महीने पहले फूल आना यानी पैसे में सोचो कितना ज्यादा बढ़ गया हो, महंगा रहता शुरू में। ठीक है, आगे बढ़े जयवर सेन। अगला फार्मूला मेरा सड रस। क्या फार्मूला है? सड रस। सड रस में क्या है? इस दुनिया में 6 ही रस हैं। कितने रस हैं? जोर से बोलो। 6। खट्टा, खट्टा बोलो, मीठा, नमक, कड़वा, तीखा, कसैला। 7वां कोई रस नहीं। 6 रस यानी कंप्लीट फूड। अकेले छाछ में 5 रस होते हैं। ठीक है, कड़वा छोड़ के बाकी सब, और अकेले आंवले में 5 रस होते, तिक्त छोड़ के बाकी सब। तो मैंने क्या किया, 6 लीटर छाछ में 6 ग्राम आंवला डाला और अच्छा हिलाया और 4 घंटे के लिए छोड़ दिया, बन गया सड रस। 6 लीटर छाछ में 6 ग्राम आंवला पाउडर मिलाया, अच्छा हिलाया, 4 घंटे के लिए छोड़ दिया, क्या बन गया? सड रस। ये टेस्ट बढ़ा देगा किसी भी प्रोड्यूस। रासायनिक खेती करते हो आप, सड रस डाल दो, लोग खाने वाले कहीं यार जैविक ही है, इतना टेस्ट बढ़ जाता है, गजब का। तो आंवले का 5 रस और छाछ का 5 रस, इधर देखो दोनों मिला के कितने रस हो गए? 10। कितने हो गए? 10। अब है ही नहीं 6 के अलावा कोई, ये तो 10 कहां से होगा, 6 रस ही होगा ना, तो 10 कैसे बोल रहे थे? 4 सेम है। बैक्टीरिया बढ़ जाएगा, मतलब 10 लीटर जैव रसायन 10 लीटर सड रस दे दो, मिट्टी में भयंकर बैक्टीरिया बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। हाँ, इकट्ठा दे सकते हो। अब अंतिम एक फार्मूला बना बचा जो है जीवाणु घोल। हमारे खेत में 102 जीवाणु का आपको मैं 102 जीवाणु बनाना सिखा रहा हूँ। कितने जीवाणु? 102। 102 जीवाणु बनाना सिखा रहा हूँ। ये जीवाणु अगर आप बाजार से खरीदोगे तो 1.5-2 करोड़ के होंगे, क्योंकि 102 जीवाणु 5000 लीटर डालना है 1 एकड़ में। कितना हजार? एक जीवाणु आता है 600 रुपए का इफको के हिसाब से, तो 102 जीवाणु कितने के होंगे और 5000 इंटू कर दो कितना होगा, आएगा करोड़ों का। ये करोड़ों का जीवाणु के लिए आपको जिंदगी में 1 बार 2500 खर्चे करने, क्या तैयार हो आप लोग? कितने बार खर्चा करने हैं? चाहे 10 एकड़ का किसान है तो 1 बार, 20 एकड़ का किसान है। एक ये जो है एक प्रोडक्ट है, ये भारत सरकार ने बनाया है, ICR का लोगो है इसमें, भारतीय अनुसंधान परिषद की एक संस्था है IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्च, उन्होंने बनाया है। कैप्सूल में, काय में है बैक्टीरिया? कैप्सूल में है इसलिए सुरक्षित है। लिक्विड में सुरक्षित रहेगा कोई बैक्टीरिया क्या? मान लो लिक्विड धूप में है तो बोतल गर्म हो गया तो बैक्टीरिया बचेगा कि जिएगा? पाउडर में तो पाउडर की लाइफ 6 महीने होती भारत सरकार के आधार पे, और लिक्विड की लाइफ 1 साल, इसकी लाइफ 3 साल होती, सबसे सुरक्षित है। और एक एक कैप्सूल 1000 लीटर पानी को गाढ़ा कर देता है, इसको छोटा मत समझो। बाकी कंपनियां इसको 200 रुपये का एक कैप्सूल बेचती है। कितने रुपए का? राह FPO, चूँकि मैंने एजेंसी दिलवा दिया राह FPO की, किसने? हमने। और राह FPO में सब डायरेक्टर किसी को फुर्सत नहीं बेचने, उन्होंने सोल को दे दिया। ये सोल इसको मेरे ख्याल से 125 रुपए के आसपास में बेचती है। कितना कैप्सूल? 7 कैप्सूल खरीदने के लिए कितना लगेगा? 900 रुपए। ठीक है, 14 कैप्सूल खरीदने के लिए 2000। जामन एक है 250-300 का, ऐसे 2500 कोरियर चार्ज सहित एक बार लेना है। कितने बार लेना है? एक बार ले लोगे पक्का? हाँ कि ना? फिर उसी बात फार्मूला बताए नहीं ले पाओगे तो फिर कुछ और सोचूंगा। ठीक है,
इसका है कैप्सूल कल्चर किट नाम है इसका, सोल में। आगे बढ़े, अब ये जब आ जाए सातों कैप्सूल तो क्या करना, 10 या 20 लीटर पानी को 100 या 200 ग्राम डाल के गुड़ को गर्म करना। जैसे आपको बहुत ज़्यादा बनाना है तो 200-400 लीटर मतलब 150 लीटर मदर कल्चर बनाओ, कम बनाना है तो 10 से 20 लीटर। तो मैं 10 लीटर का रेशियो बताता हूँ, क्लियर है? 10 लीटर या 11 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ डाल के अच्छा उबालना, तब 10 लीटर बचे तब उतार लेना। कितने लीटर पानी में, फटाफट लिखो, लिखने में दोबारा नहीं बताऊँगा। 11 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ डाल के इतना उबालना कि 10 लीटर बचे, जब उसको बचे तब उतार के छान के मतलब ठंडा करने रख देना, ठीक है? अब यह इसमें कोई बैक्टीरिया बचा क्या? नहीं, इसको बोलते हैं निर्जलीकरण, यानी सब कुछ इसमें खत्म हो गया। अब ये बिल्कुल साफ सुथरा है, ग्लूकोज वाला। इसमें एक एक कैप्सूल डालना, और कैप्सूल हाथ से निकाल के मत डालना, क्योंकि हाथ में बैक्टीरिया होते ही नहीं होते हैं। तो कैप्सूल को पीछे से यहाँ से क्रश करना, इसको निकाल के ऐसा चीरा लगाना और ऐसे निकाल के डाल देना। कौन से पानी में, ठंडा रहेगा कि गर्म? ठंडा, पर बहुत ठंडा नहीं, थोड़ा सा कुनकुना रहे तो ये तुरंत गल जाता, और पूरा ठंडा होगा तो एक दिन में गलेगा, बस इतना अंतर होता है। तो ये 7 दिन तक रखे रहना, 7 दिन में गाढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं, 7 कैप्सूल एक एक पूरे, और कैप्सूल के बाद आधा लीटर जामन भी डालना उसमें, इसके साथ जामन भी आएगा। जामन क्या है, ये जो फंगस और बैक्टीरिया जो डारमेंसी में पड़े उनको जगाने का एक खुराक है। जैसे कुंभकर्ण सोया है तो बड़े बड़े वो जो है क्या दिए गए उसको, जलेबी दिए गए ना, वैसे बड़े बड़े जलेबी इसके अंदर। इसका टेक्निकल नाम है ग्लूकोज सुक्रोज फ्रुक्टोज है इसके अंदर। तो ये खाने वो बैक्टीरिया डारमेंसी तोड़ेंगे। अब तोड़ दिए तो अब इसको आपको जीवन भर फूड देना पड़ेगा कि नहीं फूड देना पड़ेगा? इसका फूड आपके घर में रखा है जो है गुड़, और भी बहुत आलू है, बहुत सारे और भी फूड है, पर मैं वो सब चर्चा नहीं करूँगा। गुड़ दो इसमें, तो जितना इससे निकालोगे उतना गुड़ पानी डालना। मान लो 5 लीटर निकाला तो कितना गुड़ पानी इसमें डाल दोगे? 5 लीटर। तो ये है, ये कहलाता है मदर कल्चर। 7 दिन में बन गया, ये क्या कहलाएगा? 7 कैप्सूल और जामन मिला के, क्लियर? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो नहीं देनी पड़ेगी, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? क्या कहलाएगा? अब उबला गुड़ पानी कैसे मिला के स्प्रे करना? अभी स्प्रे नहीं करना, अभी तो बनाना है। अभी ये मदर कल्चर बना, क्या बना? इससे हजारों लीटर बना सकते हो आप। कैसे बनाओगे? आपने इसमें 5 लीटर निकाला, 500 लीटर पानी में डाल दिया। देखो मैं 500 लीटर का बताता हूँ, चाहे फिर आप घटा बढ़ा लो। ये 100 लीटर में बताऊँ? 100 लीटर, हाँ। तो इसमें चलो 200 बताता हूँ। इसमें 2 लीटर मदर कल्चर निकाला, 200 लीटर पानी में डाल दिया, एक काम हो गया। दूसरा काम, 2 किलो गुड़ डालो, हो गया दूसरा काम। 2 लीटर छाछ डालो, हो गया तीसरा काम। 2 लीटर जैव रसायन डालो, जैव रसायन आ गया बनाना। पर साहब अभी जैव रसायन 90 दिन में बनता है, तो बहुत पके फल डाल रहा, क्या करना है? हाँ, मीठा जैव रसायन। अगर जैव रसायन नहीं है तो क्या डालोगे? और 2 तुलसी के पत्ते डालो। कौन से पत्ते? अगर रविवार है तो तोड़ोगे तुलसी? सोमवार को तोड़ना, या शनिवार को ही तोड़ के रख लेना। कितने पत्ते डालोगे? 2, उससे ज्यादा नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं, तो तुलसी के भी कई गुण बताता मैं। केवल 2 तुलसी के पत्ते डालने से अब उसमें जो इल्ली गिरेगी या मक्खी गिरेगी वो फर्मेंट नहीं होगी। कंसेप्ट समझ गए? केवल तुलसी का पत्ता उसके फर्मेंटेशन को रोक देगा। अभी ये 7 दिन रखो तो बन गया जीवाणु जल। क्या बन गया? जीवाणु जल। इस जीवाणु जल को हर सिंचाई में पानी में देना है, और स्प्रे भी कर सकते हो तो कर लो 20-25% का, ठीक? हाँ। अब इसी जीवाणु जल में आपको बनाना है अणु जल। फटाफट लिखो, मेरा भी जो है, मेरे को भी दिल्ली जाना है। अणु जल, या समझ लो, रिकॉर्ड कर लो, चलो अणु जल। अणु जल क्या है कि ये जो 100 लीटर जीवाणु जल है,
कितना लीटर? इसमें 100 लीटर पानी डाल दो। कितना पानी डालो? 100 लीटर। और इसमें 2 किलो भस्म रसायन डाल दो। क्या डाल दो? कितना किलो? 2 किलो उसमें लाल मिट्टी डाल दो, 2 किलो पीली मिट्टी डाल दो, 2 किलो सफेद मिट्टी डाल दो। क्या डालो? सफेद मिट्टी। और डालने के बाद जो है अच्छे से इसमें जो है डंडा चला के और इसको पड़े रहने दो। कितने दिन? 4-5 दिन। एक दिन चलाना डंडा? ठीक है, डंडा चला के रख दो 4-5 दिन, 6 दिन, महीना भर, 2 महीना रख सकते हो। इसके बाद क्या करोगे? 20% के दर से फसलों पर स्प्रे करना। कितना परसेंट की दर से? 20%। हाँ, पत्ते डार्क ग्रीन हो जाएंगे, डार्क ग्रीन समझ रहे हो ना, जबरदस्त हरे कच्च और बिल्कुल कोना तक उस। और गन्ना तो दूर से ऐसा दिखेगा कि गन्ने की पत्ती नहीं पीपल की पत्ती है जैसे, इतनी डार्क। मेरे वीडियो देखे होंगे, हाँ कर रखी हो ना, हाँ डार्क ग्रीन। और ये 100 इसका ये जो 200 लीटर बना इसको हर सिंचाई में मिला सको तो जमीन में देना, ठीक है। हाँ, और अब आपके खेत में जिंक मैग्नीशियम और कैल्शियम नहीं है तो बना बुनाया देना पड़ेगा कि नहीं? साल दो साल बना बुनाया देना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि है ही नहीं मिट्टी में, तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो आप सोल ऐप से जिंक मिट्टी, कॉपर मिट्टी, मैग्नीज मिट्टी, आयरन मिट्टी जो नहीं है वो लाना, प्रति एकड़ 300 ग्राम। कितना? हाँ, इसको 3 बार करके डालना। लेकिन जब ये अणुजल बनाओगे, क्या बनाओगे, तो इसको जो है उसी में डाल देना या भस्म रसायन में डाल के पका लेना। भस्म रासायनिक विधि अभी टाइम नहीं बताने का तो अब नहीं बताऊंगा, वो मेरे पर्चे में बना रखा है, इन्होंने बना के लेके आए, इनका नंबर लो आप हमारे बाद, यही आपके, ठीक है। लिख लो नाम, श्रीकराज शर्मा जी, नंबर भी लिख दो शर्मा जी आपका इधर, और इनका भस्म रसायन देख लो। पर आप इतना सा भस्म रसायन अगर डाल दिए ना, पौधा खिल उठता है। भस्म रसायन कहाँ है दिखा दो आप। और इनको एक दिन बुलाओ, सारे लोग आओ, ये ट्रेनिंग देने आएंगे, ठीक है। हाँ, नाम लिखो अपना पहले। हाँ, रश्म शर्मा जी। मेरी टेक्निक में बिना जुताई में 5 एकड़ की खेती ये करवा रहे हैं। कितने एकड़ में? जुलाई में दिखाएंगे, बिना जुताई में खेत देख लो। कम से कम जो है ना 15-20 लाख रुपए से नीचे नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या उससे? कौन कौन सी फसल है 5 एकड़ में बताओ? हाँ बताओ, 5 एकड़ में कौन कौन सी? नहीं, उसकी अमरजीत ने जो कर रहा है वो डेमो 5 एकड़ में करवा तो आप ही रहे हो ना, कितनी फसलें बताओ उसमें? सरसों लगा रखी है, चने लगाए थे पीछे क्रॉप में। नहीं, मुख्य फसल है इनका अमरूद। मुख्य फसल 4 एकड़ में अमरूद है, उसमें इंटरक्रॉप सब्जी की कर रहे हैं। सब्जी है, सब्जी में कौन कौन सब्जी बता दो? सब्जी में सारी तेल वाली सब्जी है, और गोभी भी है, गोभी का 7 केजी है, 7 केजी का फूल आया था, 7 किलो का एक फूल आया था गोभी का, बिना जुताई की खेती। और गोबर की सैलरी उसके साथ सभी है। हाँ, नंबर से इतनी क्वालिटी की रहती है, बता दो नंबर। 98136 तो ये आपको सिखाएंगे। ये आपके कौन है अभी? हाँ, छोटे गुरुजी। मैं बड़े गुरुजी या छोटे गुरुजी? बोलो गुरुजी। हाँ, बोलना पड़ेगा तब सिखाते हैं। देखो, ज्ञानवान को अगर इज्जत नहीं दिए तो ज्ञानी देगा क्या ज्ञान? नहीं, ज्ञानवान को इज्जत प्यारी है, और पैसे वाले को उसको तो गाली भी दे दोगे तो भी वो जी करता है। हाँ कि ना, ये इनका भसम है, देख लो भैया लिखा, सबको दिखा, और इसकी ताकत देख लो भसम की। ये अगर 2 किलो धान की खेती में डाल दिए ना, सीधे 10 क्विंटल बढ़ना है। एक आदमी आ जाओ,
बुढ़ेड़ा इसके अंदर जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है, सारे मिनरल्स है। अगर ये खरीदते खरीदते तो 10-12 हजार का आता है। आओ एक आदमी आओ, कोई ठीक अभी मत कराओ, मत करा, मैंने करा दिया बहुत हो गया। ये भस्म रसायन का ऊर्जा वाला प्रयोग करा रहे, अभी रहने दो, आगे बढ़े आगे बढ़े। ये भस्म रसायन इनको बुला के सीखोगे, और इनको इतना ही नहीं, हर 3 महीने में बुलाओ, ठीक है। और ये पहला गट बनेगा, कौन सा गट, अगला गट बनेगा उसमें इसमें शामिल मत करना, नहीं तो वो 20 प्रश्न करेगा। और बेलजी भाई मतलब गुरु जी के जो है, गुरु जी के ऊर्जा विज्ञान को साइकोलॉजी कहेगा गुरु जी। हाँ ये भस्म रसायन का सोल ऐप पे कोई है? हाँ है, मिल जाएगा वहाँ भी, वो मिल जाएगा, देख लो। इसमें जिंक है, सल्फर, देखो बाजार का जिंक सल्फेट नहीं डलवाना, वो निगेटिव होता है। वो जो जिंक सल्फेट आता है ना 3.5 किलो, वो एक तो निगेटिव, हाथ में रखोगे ताकत खत्म, और उसको गर्म करो ना सड़े नाले का दुर्गंध आएगा। तो मेरे ख्याल से चाइना का दुर्गंध और हमारे यहाँ कॉपर मिला के बनाए होंगे, ऐसा मेरे को लगता है, भयंकर दुर्गंध आएगा। हाथ में रखो ताकत घट जाएगी, और उसमें होता है 33%, और जिंक मिट्टी में 80% जिंक है और पॉजिटिव है, कॉपर मिट्टी में 80% है। तो आपको कॉपर मिट्टी डालना चाहिए, कॉपर सल्फेट डालना चाहिए, कॉपर मिट्टी, क्लियर हुई? हाँ, तो ये डालना। अब ये है, अगर भस्म रसायन नहीं बना पाए हो तो सोल में सुपर सॉइल नाम से एक प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? सुपर सॉइल, वो भी भस्म रसायन ही है, थोड़ा सा परिष्कृत विकसित है। क्लियर हुई मेरी बात? पर 2 साल डालना ही डालना, कितने साल, नहीं तो जिंक की कमी से वायरस भी आएगा, उपज भी घटेगी, और फिर आप कहोगे, आप यहाँ जाके डुबडुबी तो पीटोगे कि भाई हमें ऐसे मिले हाथ वाला, कुछ तो किसी को बताओगे ना, क्योंकि दिन भर जो ज्ञान दे रहा हूँ पूरा नया है कि पहले कहीं सुने थे, पूरा नया है ना, हाँ। तो एक ही कण में करो, पर कंप्लीट करना, और कंप्लीट हो गया तो फिर उस क्षेत्र के गुरु जी आप हो गए, इनकम्प्लीट हुआ तो जगह साई। आपको पहले ही झटके में 35 क्विंटल धान लेना है मोटे का, और बासमती का आपको लेना कम से कम 20-22 क्विंटल पहले ही कोर्स में, पहले ही प्रयास में। आगे बढ़ें, तो ये हमारा जो है मेरा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का कोर्स पूरा हुआ। धान कैसे लगाना, क्या लगाना, यूट्यूब में मैंने 1.25 घंटे में समझाया है। घर में जाओ, यूट्यूब खोलो, बीज उपचार कैसे करते हैं, बीज शोधन कैसे करते हैं, बीज से प्रार्थना कैसे मुट्ठी में लेके प्रार्थना कैसे करते हैं, बहुत बड़ा विज्ञान है। मैं बोलना शुरू करता हूँ तो सुबह से शाम तक लगातार 5 दिन तो लगातार बोलते, तब ट्रेनिंग खत्म होती, कितने दिन, और ऐसे लगा 15 दिन का टॉपिक है। तो अभी क्या होता है, आप सब करिए, आप सब क्या होता है, श्रद्धा रखिए मेरे पे, क्या रखिए, मैंने पहले ही बोला श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बड़ा बन रहा हूँ, नहीं, श्रद्धा रखोगे लाभ आपको मिलेगा, हाँ कि नहीं है। मेरे को गुरुजी बोलोगे तो हो सकता है मेरे में घमंड आ जाए, लेकिन मैं तप करता हूँ, साधना करता हूँ, और मेरे को कोई गुरुजी बोलते मैं मेरे गुरुजी को ट्रांसफर कर देता हूँ, इधर रखता ही नहीं, तो मुझे नहीं आएगा कभी अहंकार। लेकिन मुझे गुरुजी बोलोगे तो आप घर जाके करोगे, और आपके दिमाग में साइकोलॉजी रहेगी तो यार ये कुछ जादू किए दे हाथ में, वो साइकोलॉजी दिमाग में शक और पैर में कांटा किसी के गड़ा, वो एक कदम नहीं चल सकता, हाँ कि ना। कहावत थी हमारे पूर्वज, वो इसलिए आपको इतना समझाना पड़ रहा है कि अभी क्या होता है, आपको कई लोगों ने समझा समझा के वो जो है वो कर दिया, क्या कर दिया है, गड़बड़ कर दिया है। मेरे से पहले कई विशेषज्ञों से मिल चुके हैं आप उनके आधार पर करो जितने में करना है, मैं जो बोलता हूँ वो करो, नहीं उपज आई मेरे पास आओ, फोन करो, व्हाट्सएप करो, सोल के एजुकेशन वेबसाइट में डालो, ये दिक्कत है, उत्तर कोई ना कोई देगा, क्योंकि मैं मेरा एक ही नारा, एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप अनेक। मैं एक दीपक था, आज श्री कृष्ण शर्मा जी दूसरे दीपक हो गए, हुए कि नहीं हुए, सार्वजनिक घोषणा पहली बार किया गुरु जी का, किया कि नहीं किया, हाँ। तो ऐसे गुरु से गुरु गुरु बनाता है,
किताबों से कोई गुरु नहीं बनता, बना है कोई किताबों से गुरु? गुरु से गुरु बनते हैं। तो आप श्रद्धा रखिए, इनकी श्रद्धा जबरदस्त है। ये किसान नहीं है भैया, ये बेसिक हलवाई है, जिद में आके खेती शुरू की है। इनकी कहानी ये बताएंगे, जब जिद में आए तो यूट्यूब में गए, मैं मिल गया धोखे से, ऐसे ही है ना, धोखे से मैं मिल गया, मैं मिला इनकी प्यास बुझ गई, शुरू कर दिए। जब बम्फर प्रोडक्शन आया तो मैं देखने आया, मेरा भी जब एक एकड़ में 50 ग्राम सरसों से 15 क्विंटल 54 किलो प्रोडक्शन हुआ ना, तो मेरे गुरु भी गुरु थे, कार चला के खुद चले आए कानपुर से, डॉक्टर रामा सर्विस खुद आए। तो गुरु को बहुत अहंकार होता है तब जब आप कुछ करोगे। और देखो दुनिया में मालूम है टेबल के उस तरफ वाले लोग क्या सोचते हैं, ये बता रहे तो टेबल के इधर इसका फायदा क्या है? मेरा फायदा मैं पहले ही बताया, पंच महाभूतों की सेवा करना मेरा लक्ष्य है, मोक्ष में मोक्ष पाना मेरा स्वार्थ है। इसके चक्कर में अगर कोई 2-4 करोड़ दे दे तो मना भी नहीं करूंगा मैं, ठीक है? अभी मेरे पास, सच में बता रहा हूं, मेरे पास फोन आया जयपुर के एक साह है, उनके 15-20 होटल है, उन्होंने मेरे से बोला गुरुजी ये 5 एकड़ जमीन मैं खरीद के देता हूं और जो पैसा चाहिए वहां विश्वविद्यालय बनाने में वो भी देता हूं, आप बनाओ आपकी टेक्निक का विश्वविद्यालय। मैंने कहा मैं अकेले नहीं आता, अकेले आया और मुकर गए कल को तो मैं मेरी टीम लेके आऊंगा, उसमें एक आध वकील भी है, तुरंत एग्रीमेंट होगा, बिल्कुल बनेगा विश्वविद्यालय। ऐसे ये जो है हमारे जो हैं आपके आयोजक है शेषन कुमार जी का, इनका खेत भी आगे चल के पाठशाला बनेगा। अभी इनका खेत तो पाठशाला बन गया, बना कि नहीं बना? हर महीने इनके यहाँ जाते हैं लोग देखने, आप लोग भी जाओ, ये यहाँ तक आए तो आप जाओ, आंखों से देखोगे ना तब भरोसा होगा। कौन सा गांव? बुढ़ेड़ा, बेवानी के पास, बेवानी। क्लियर हुई? मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, मुझे आप लोगों ने बहुत ज्यादा हार के फूल मालाएं पहनाए उसके लिए धन्यवाद। वास्तव में इतना व्यस्त समय होते भी और एक विजय पाल आ रही है गाँव अवगाना से, मैं गुरु जी के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि मेरी भी शायद उम्र अभी 56 साल हो गई है, जिस प्रकार का अनुभव मैंने गुरु जी के मुखारविंद से सुना मैंने कभी नहीं सुना, क्योंकि मैं भी सामाजिक आदमी हूँ और समाज के कार्यक्रमों में बहुत भाग लेता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने विश्वास दिलाया और पहली बार में ही ये कहा कि आप इसको करके देखो और पहली बार में ही आपका उत्पादन बढ़ेगा, ऐसा किसी ने आज तक फार्मूला नहीं दिया। सभी ये बोलते हैं भाई 2 साल इंतजार करो, 3 साल इंतजार करो, 4 साल आपको नुकसान होगा, इसके बाद में आपका उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन गुरुजी ने जो फार्मूले बताए हैं इन्होंने गारंटी के साथ कहा है कि भाई पहली बार में ही आपकी उपज जो है ना कम से कम 20-25% तक बढ़ेगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम सभी किसान भाइयों ने जो गुरु जी ने बताया है कम से कम एक एक एकड़ भूमि में तो हमने इनका फॉर्मूला जरूर अपना के देखना चाहिए, ताकि पता चल जाए कि भाई कितना इसमें वो है, और इसमें गुरु जी का बहुत धन्यवाद। वास्तव में इन्होंने जो समय निकाला है हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इतना ये सारे देश के अंदर घूमते हैं और एक हमारे छोटे से गाँव में ये आए, इसके लिए मैं फिर से इनका विशेष धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर शेषन गुरुजी को लगभग 1-1.5 साल से सुना है, तो मैंने आज तक जितने भी प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण सुने हैं मैं गुरुजी को अपने दिल से गुरु मानता हूँ। मेरी ऐसी समझ बनी है कि गुरुजी की बहुत साधना है, और मतलब जो कुछ बताते हैं मेरा ऐसा मन करता है कि लाइफ जुड़े हुए हैं परमात्मा से, और इतना मतलब मैंने बहुत से कुछ सुना है प्राकृतिक खेती के बारे में, लेकिन गुरुजी जैसा ज्ञान मैंने किसी से नहीं सुना। तो हम इनका बार बार धन्यवाद करते हैं, मैं तो इनको एक आध्यात्मिक गुरु भी मानता हूँ, जो हमारी परंपरा में आध्यात्मिक खेती, तो मैं तो इनको उन्हीं परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ कि इनका मतलब अध्यात्म बड़ा ऊंचा है, इनको हमेशा गुरु का ही दर्जा देना चाहिए, मजाक कभी नहीं करना चाहिए। एक और हमारे हीरो हैं भाई अनिल जागलान जी के लिए जोरदार तालियां है ना, और शेषन कुमार जी क्या है, शेषन कुमार जी मेरे से वास्तव में दिल से जुड़े हैं, और इनकी करुणा ने मेरे को यहाँ लेके आया। इन्होंने बोला गुरुजी मैं कर रहा हूँ मुझे सफलता नहीं मिल रही, आप एक बार आओ, पूरी सफलता नहीं मिल रही,
तो इन्होंने किया, आयोजन किया, इतना मेहनत किया। ये अनिल जागलान जी मेरी मिशन है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी जैविक जीवन शैली विज्ञान मिशन, उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, बड़ी हस्ती हैं, आगे चल के मिशन इस देश में बहुत बड़ा काम करने वाला है। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं ये, हमारे शेषन कुमार जी को लकड़ी का जो है ये, हाँ इसमें बढ़िया हर चीज पियो कप है ना, ये चम्मच, और ये मेरे ख्याल से उसका है, किसका, ये आपका बेल फल का है, इसमें रखते ही शक्कर की निगेटिविटी खत्म हो जाती है, मतलब इससे खीर उठाएगी निगेटिविटी खत्म, शक्कर उठाए कुछ भी इससे उठा के खाइए, निगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये बेल फल का है, ठीक है। तो ये सब प्रेम भेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। ये बनाते हैं, बेचते भी हैं, जिसको लेना हो तो बेचते भी है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया जी भाई, एसडीओ साहब ने सरकारी अधिकारी होते हुए हमारा इतना बढ़िया मिशन को सुना, एसडीओ साहब का मैं विशेष कर धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी बात, मैंने अक्टूबर दिसंबर में गुरुजी मान लिया था इनको, गुरुजी मैं आपको वहाँ मिर्चपुर में गया था, वहीं मान लिया, वहाँ से मैंने मान लिया था आपको, आपका कल्याण शुरू हो गया, मैंने गुरुजी मान लिया था। और भाई जो भाई दूर से है या नजदीक से है, ठीक है, जो भाई गर्मी पहुँच सकता हो उसकी रहने की खाने की व्यवस्था ठीक ढंग से होगी, कोई भागने की जरूरत नहीं है, छोटा है जैसा भी होगा उसका पालन पोषण करेंगे, और आप दे दीजिए कोकई आ रही है, और गुरु जी ने जितना समय दिया और किसान भाइयों ने जितना समय दिया उसका मैं सदा के लिए ऋणी रहूंगा, आप और व्यक्त करता हूँ, सबका धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। भारत माता जी, माता जी, गुरु जी ताराचंद की, गुरु ताराचंद बेल जी की, गुरु ताराचंद बेल जी की, गुरु ताराचंद बेल जी की। 8 जून 2022, और अभी हम अग्निहोत्र करने वाले हैं हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के डॉक्टर शेषन कुमार जी के घर पर, और आज दिन में बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई और इस ट्रेनिंग को इन सब लोगों ने अटेंड किया, और अभी हम अग्निहोत्र करेंगे। सबसे पहले वो टाइम, सबसे पहले क्या करना, ये टाइम जब 2 मिनट बचे, कितने मिनट बचे, 2 मिनट, तो एक चुटकी इसको यहाँ रख लो, और एक चुटकी चावल लेना और एक बूंद घी लेना, ये थोड़ा सा घी हमने गर्म कर लिया, चाहो तो अगर ठंड है तो थोड़ा ये कर लिया और इसमें मिक्स कर लिया, उसके बाद अब इसका काम हो गया घी का, ठीक है, इतना घी और डिब्बे में रख के डाल के रखिए इसको, घी का इसको जो है चावल टूटे नहीं होने चाहिए, बिना टूटे हो, और ये जो है इस चावल के 2 भाग कर लेना, इसके 2 भाग करना है, ठीक है, ऐसे 2 भाग करके रख देना और घड़ी को देखते रहना, घड़ी को देखते रहना, अभी एक मिनट बाकी है, हाथ को यहाँ ऐसे रखना, इस हाथ को यहाँ रखना, ठीक है, मेरे लिए आपको दोनों हाथ ऐसे रखना, आप ऐसे रखो, और सॉरी ये दाहिना हाथ ऊपर बाएं हाथ नीचे, ठीक है, मैं यहाँ इसको ऐसे रखूँगा, एक हाथ मेरा खाली रहेगा, और घड़ी को देखते रहना है, जब 30 सेकंड बचे तो चमीटे की सहायता से इसका मुख खोलना है, क्या खोलना है, मुख, हाँ इसका मुख हमको खोलना है ऐसे, अब खुल गया, नीचे 450 डिग्री टेम्परेचर बनना चाहिए, लाल अलाव, ठीक है, लाल अलाव बनना चाहिए, और ये घड़ी को देखते रहना है, अग्नये स्वाहा, अग्नये दम्मा मम प्रजापतये स्वाहा।
स्वाहा प्रजापतये इदं नामम। इसमें सात रंग निकल रहे हैं, थोड़ा पास से आके इन रंगों को कवर करो। स्पष्ट तौर पर सात रंग आप सब देख रहे होंगे, इस तरफ से देखिए सात रंग निकल रहे हैं। ठीक, ये सात रंग या तो सूर्य से निकलते हैं या अग्निहोत्र करने से निकलते हैं। जो पीला रंग है वो हमारे कफ को ठीक करता है, और जो हरा रंग है वो वात को ठीक करता है, नीला रंग पित्त को ठीक करता है। तो शुरू में आपने देखा होगा इसमें नीला रंग निकला। हे अग्निहोत्र देव, मैंने आपने सप्त ऊर्जा त्रिदेव और पंच महाभूतों की निर्मिति के लिए, प्रस्फुटन के लिए आपने आहुति डाली है, कृपया अपनी शक्ति प्रदान करें। हे ईश्वर, इस कार्य में मेरी मदद करें। अग्निहोत्र से निकली हुई ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश करते हुए मेरे मूलाधार चक्र को सक्रिय कर दिया है। यह चक्र कमर के निचले भाग में स्थित है और इस चक्र का रंग लाल है, और इस चक्र के सक्रिय होने से मेरे शरीर का खाना पीना सोना और जागना यह ठीक हो गया है। अग्निहोत्र से निकली हुई ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश करते हुए मेरे स्वाधिष्ठान चक्र को सक्रिय कर दिया है। यह चक्र कमर के निचले भाग से दो उंगली ऊपर रीढ़ की हड्डी में स्थित है। इस चक्र का रंग नारंगी है और इस चक्र के सक्रिय होने से मेरे शरीर में सप्त धातुओं की निर्मित होने लगे हैं। मेरे शरीर में आकाश तत्व की निर्मिति होने लगी है। अग्निहोत्र से निकली हुई ऊर्जा श्वास के माध्यम से मेरे शरीर में प्रवेश करते हुए मेरे मणिपुर चक्र को सक्रिय कर दिया है। मणिपुर चक्र को सक्रिय कर दिया है। चक्र नाभि के पीछे स्थित है और इस चक्र का रंग पीला है। इस चक्र के सक्रिय होने से मेरे शरीर के नाभि से जुड़ी हुई 72,000 नाड़ियाँ ऊर्जा से भर गई हैं। अग्निहोत्र की ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश करते हुए मेरे अनाहत चक्र हृदय के पीछे स्थित है। इस चक्र का रंग हरा है। इस चक्र के सक्रिय होने से मेरा हृदय आनंद और ऊर्जा से भर गया है। मेरे हृदय की धड़कन सामान्य हो गई है। अग्निहोत्र से निकली हुई ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश करते हुए मेरे विशुद्धि चक्र को सक्रिय कर दिया है। यह चक्र गले के पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित है। इस चक्र का रंग नीला है और इस चक्र के सक्रिय होने से मेरे शरीर में जो भी विजातीय तत्व थे, जहर तत्व हैं, समाप्त होने लगे हैं। मेरा शरीर निरोगी और कांतिमय हो गया है।
अग्निहोत्र से निकली हुई ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश करते हुए मेरे आज्ञा चक्र को सक्रिय कर दिया है। यह चक्र दोनों आंखों के भावों के पीछे स्थित है। इस चक्र का रंग जामुनी है और इस चक्र के सक्रिय होने से मेरा मन मेरे शरीर में स्थित हो गया है। मेरा मन आनंद और ऊर्जा से भर गया है। अग्निहोत्र से निकली हुई ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश करते हुए मेरे मूलाधार चक्र को सक्रिय कर दिया है। मेरे सहस्त्रार चक्र को सक्रिय कर दिया है। यह चक्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित है। इसकी हजारों पंखुड़ियां इस चक्र का रंग बैंगनी है। इस चक्र का रंग बैंगनी है और इस चक्र के सक्रिय होते ही मेरी बुद्धि सक्रिय हो गई। मेरी चेतना जागृत हो गई। मैं स्थित प्रज्ञ हो गया हूँ। हे ईश्वर मेरी इस बुद्धि का उपयोग आपकी प्रकृति की सेवा में गौ माता और धरती माता की सेवा में लगाऊं ऐसी शक्ति और बुद्धि मुझे प्रदान करें। पंचशील प्रतिज्ञा दोहराइए। यज्ञ धर्मं चरामि दान धर्मं चरामि तपो धर्मं चरामि कर्म धर्मं चरामि स्वाध्याय धर्मं चरामि पुनरपि यज्ञ धर्मं चरामि पुनरपि दान धर्मं चरामि पुनरपि तपो धर्मं चरामि पुनरपि कर्म धर्मं चरामि पुनरपि स्वाध्याय धर्मं चरामि पुनः पुनरपि यज्ञ धर्मं चरामि पुनः पुनरपि दान धर्मं चरामि पुनः पुनरपि तपो धर्मं चरामि पुनः पुनरपि कर्म धर्मं चरामि पुनः पुनरपि स्वाध्याय धर्मं चरामि आंखें बंद करके शब्दों को दोहराएंगे। मेरा श्वास लेंगे। सत्यम शरणम गच्छामि सत्यम शरणम गच्छामि सत्य धर्मम शरणम गच्छामि सत्य धर्म संगम शरणम गच्छामि सत्यम शरणम गच्छामि सत्यम शरणम सत्य धर्मं शरणं गच्छामि सत्य धर्मं
नित्य धर्म संगम शरणम गच्छामि सत्यम शरणम गच्छामि सत्य धर्म संगम शरणम गच्छामि।